हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको धोती सलवार बनाना सिखाऊंगी। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो ये देखिए, ये धोती सलवार है, ठीक है। इसको मैंने स्टिच किया है और ये 1.5 मीटर कपड़े में मतलब पूरा सूट बन जाएगा। 10 साल की बच्ची है तो इसका पूरा सूट बन जाएगा 1.5 मीटर कपड़े में, क्योंकि ये जो शनील का कपड़ा होता है ना, तो इसका वार बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब 60 इंच का इसका वार होता है, मतलब जिसको घेरा भी बोलते हैं। तो इतने कपड़े में ये पूरा सूट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखिए कितना इसका घेर आया है, साइड में कितनी अच्छी इसकी जो लहरें हैं वो आ रही हैं। तो इसका बनाना सीखना चाहते हैं तो ज़रूर एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो ये मेरा कपड़ा है, मैं आपको नाप करके बता देती हूँ। तो ये देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा है, ठीक है। ये देखिए 32 इंच है, मतलब टोटल हो गया 64 इंच लेंथ इसकी, 64 इंच है, ठीक है। 1.5 मीटर से 4 इंच ज़्यादा है और इसका जो घेरा है वो है 60 इंच का, मतलब 1.5 मीटर इसका घेरा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है, डबल फोल्ड किया हुआ है। और ये शनील का कपड़ा है, इसको आप मतलब इसकी जो शेड है बदल जाती है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने इसको मतलब दोनों साइड एक शेड हो उस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। इसको कट करके बीच में से कपड़े को इस तरीके से आपने इसको तिकोन शेप में ऐसे रख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तिकोन शेप में इसको रख लिया है, ठीक है। या अगर आप जॉर्जेट में बना रहे हैं, क्रेप में बना रहे हैं, तो इस फिर ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर से कट करके इसको आप मतलब इसकी शेड ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। शनील के कपड़े में आप सिर्फ ध्यान देंगे इसकी शेड का, ठीक है। तो इसका जो घेरा बना है वो हमारा बना है 64 इंच का, ठीक है। लेंथ है इसकी तो इसकी जो लेंथ है वो है 30 इंच की, ठीक है, 30 इंच की। और इसमें जो बेल्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 5 इंच की, ठीक है। तैयार, मतलब हमारी जो सलवार 35 इंच की तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लेना है। ये जो तिकोन मैंने बनाया हुआ है कपड़े का, इसको मैं कट कर लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। इतने जो तिकोन शेप में मैंने कपड़ा रखा है उसमें सलवार बनेगी, और ये साइड में जो कपड़ा है इसमें कुर्ती बनेगी, क्योंकि कुर्ती की लेंथ जो होती है वो छोटी ही होती है, ठीक है, घुटने से ऊपर ही होती है। और इस तरीके से देखिए, हम जो क्रॉच एरिया निकालेंगे वो कमर के हिसाब से निकालेंगे। कमर हमारी थी 27 इंच की, और 27 का हमने चौथा हिस्सा लेना है, और 27 का डबल फोल्ड करेंगे तो 13.5 इंच होगा। इस तरीके से आप नाप लें, और 13.5 का डबल करेंगे, हाफ़ करेंगे तो 7.5 इंच होगा, ठीक है। तो 7.5 इंच में आपने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। क्रॉच एरिया के लिए 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे तो आप यहाँ पे 8.5 इंच रख सकते हैं, रख लें यहाँ पे क्रॉच एरिया की लेंथ जो 7.5 इंच रख लें, सॉरी 8.5 इंच रख लें। और यहाँ से 2 इंच हमने इस तरीके से गैप रखना है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से गुलाई दे देनी है। तो ये हमारी क्रॉच एरिया की मार्किंग हो चुकी है। अब ऊपर हमारी जो बेल्ट हमने 5 इंच छोड़ते हुए हम देखेंगे कि हमारा आसन कितना तैयार आ रहा है। तो हमारा आसन 13 या 13.5 इंच तैयार आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आसन बच्चे के लिए काफ़ी है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी, और ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है ना, इसको भी मैं कट कर दूंगी। तो इस तरीके से आप पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए 2 पीस हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक पीस को हम अलग कर लेंगे, और उसके बाद उसमें हम आपको प्लेट डालने सिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पोंचा रखना है 5.5 इंच का, ठीक है। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया, और यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा दूँगी ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पे मैंने पोंचा इतना रखना है, ठीक है, सलवार का। अगर किसी बड़े का बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें अब गैदर्स डालेंगे, और एक कपड़ा आप निकाल लेंगे, एक हिस्सा निकाल लेंगे, उसके बाद आपने आपको मैं बताती हूँ कैसे आपने इसमें गैदर्स डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, एक हिस्सा मैंने निकाल लिया। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब
जरूर करके जाना। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे और आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कपड़े को सेट कर लेना है और यहाँ पे 1 इंच हमने कपड़ा कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉर्नर था ना, वहाँ से हमने 1 इंच कपड़ा कट कर देना है। अब इसको हमने स्टिच करना है, ऐसे उल्टा कर देंगे कपड़े को उल्टा करके यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी सिल के बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको खोलना है कपड़े को, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। और यहाँ से हमने प्लेट शुरू करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और प्लेट का साइज़ जो है ना एक बराबर होना चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी जो ये लहरें बनती है ना साइड में वो अच्छे से बन पाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको पिनअप कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि साथ साथ डालेंगे, वैसे तो साथ साथ भी डल जाती हैं, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे आप बता रही हूँ कि सबसे पहले आप इसको पिनअप कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगाएं, फिर सिलाई लगाना और भी आसान हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक साइड में आपने कितनी चौने डालनी है और दूसरी साइड में आपको कितनी डालनी है। तो इस तरीके से जितनी चौने आपकी एक साइड में आए उतनी ही आपने दूसरी साइड में भी डालनी है, तभी आपकी जो गैदर्स हैं एक बराबर दिखेंगी और बहुत ही सुंदर लगेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी एक साइड में टोटल 8 प्लेट आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका जो हाफ घेरा बना है वो बना है 8.5 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने प्लेट डालनी है। अब दूसरी साइड की प्लेट भी हमने इसी तरीके से डालनी है, और दूसरी साइड में भी हमारी चोने जो हैं 8 इंच आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेंगे और अच्छे से इसको पिनअप करते जाएंगे, और फिर बाद में हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत ही सुंदर ये सलवार बनके तैयार होगी, और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको मतलब दिखा चुकी हूँ सबसे पहले। तो आपको ऐसी सलवार बनानी है तो बिल्कुल जो जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ उसी रूल्स को फॉलो करिए, और उसी तरीके से आपकी सलवार बन जाएगी। तो यहाँ पे इतना घेरा मेरा तैयार हो गया है, एक साइड मैंने तैयार कर ली है, और इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैंने तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं मशीन से इसको स्टिच कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर बेल्ट लेनी है, बेल्ट जितना मेरा सलवार का घेरा मतलब तैयार हुआ है ना उतनी बेल्ट मैंने लेनी है, मतलब बेल्ट बच्चे के हिसाब से हम ले लेंगे 17 या 17.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। तैयार 17 इंच आनी चाहिए। तो इस तरीके से बेल्ट मैंने कट कर ली, 18 इंच की बेल्ट कट करी है और तैयार वो 17 इंच की हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक साइड में इस तरीके से बेल्ट को जोड़ना है, जो हमने एक साइड तैयार करी थी चोन की जो प्लेट डाली थी हमने सलवार में, तो इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ, और अच्छे से अटैच करेंगे क्योंकि चोने हमारी मतलब नीचे फोल्ड नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बराबर से इनमें सिलाई लगनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये देखिए, और इसी तरीके से ये एक साइड हमारी तैयार हो जाती है, और इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी चोने यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ठीक है। और पहनने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा, और देखिए ये हाफ जो मैंने दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अभी बनी भी नहीं है पूरी सलवार, और कितनी अच्छी लग रही है। इसकी गैदर्स देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है। अब थोड़ा सा कपड़ा और ज़्यादा होता तो और भी ज़्यादा इसमें चोने पड़ जानी थी, ठीक है। लेकिन बच्चे के हिसाब से इतनी ही लेंथ थी और इतनी ही मुझे चाहिए थी, तो इतनी चोने काफ़ी हैं, ठीक है, बच्चे के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले आसन जोड़ेंगे दोनों पार्ट्स को इस तरीके से, मतलब फोल्ड करते हुए बैक साइड की तरफ। तो इस तरीके से दोनों आसन जोड़ने हैं हमने, क्योंकि ये खिंचाव वाला कपड़ा है तो यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको खींचते हैं तो सिलाई टूट जाती है, तो यहाँ पे आप डबल सिलाई लगा लें आसन में, ठीक है। तो इस तरीके से कपड़े को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि शनील का कपड़ा है तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है, और जहाँ से थोड़ा सा बढ़ रहा है वहाँ से आप फिनिशिंग से इसको कट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नेफा फोल्ड कर लेना है, और नेफा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको इलास्टिक डाल देंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से नेफा मेरा फोल्ड हो गया है और थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो पोंचा रखा था 5.5 इंच का, ठीक है, यहाँ पे कट भी लगाया हुआ है और लगाया था मैंने, लेकिन शनील का कपड़ा है नहीं पता चलता है, तो फिर से आप लगा लें, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे फोल्ड करेंगे और जो 5.5 इंच का कट लगाया है ना उससे थोड़ा सा ऊपर ही फोल्ड कर लें, क्योंकि कम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, अगर पैर नहीं जाएगा तो थोड़ा सा आप खोल भी सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है इसमें तो पैर आसानी से चला जाएगा, क्योंकि दूसरे कपड़े होते हैं तो उनमें पैर आसानी से नहीं जाता है, तो थोड़ा सा आप खोल करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएं, कट से थोड़ा सा ज़्यादा ही सिलाई ऊपर लगाएं। तो इस तरीके से देखिए सिलाई मेरी लग चुकी है, अब इसकी हमने फिटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब इसकी मैं फिटिंग कर दूंगी और फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी कि कैसा ये बनके तैयार हुआ है सलवार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी फिटिंग करनी है, आसन से आसन मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए सलवार बन चुकी है, ठीक है, अभी आपको ऐसी लग रही है ना, तो पहनने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे प्लेट और यहाँ पे मैंने इलास्टिक डालनी है अभी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि सलवार इस तरीके से बनी है, रेडी हुई है मेरी। तो ये देखिए साइड में चोने देखिए आप कितनी अच्छी आ रही है, ये देखिए, ठीक है, दोनों साइड में इसी तरीके से आपकी चोने आएंगी। तो इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं, कैसा ये तैयार हुआ है बनके, ठीक है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, ठीक है, ये 10 साल की बच्ची है, 8-9-10 साल के बच्चे को बड़ी आसानी से आ जाता है इतना साइज, ठीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लहरें बनी हैं, दोनों साइड में कितनी अच्छी चोड़ें लग रही हैं इस कपड़े में, मतलब इसको हम क्रेप के कपड़े में या जॉर्जेट के कपड़े में या शनील के कपड़े में बनाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, कॉटन के कपड़े में नहीं बन पाएंगी, क्योंकि कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा उसका स्टफ थोड़ा मोटा होता है ना, तो ये लहरें जो बन रही हैं ये नहीं बन पाएंगी, तो ये जो मतलब कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है उसी में अच्छी लगेंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट